तो बेटा आज हम करेंगे रोमन नंबर्स 50 से लेकर 100 तक। पहले पिछला रिवाइज कर लें एक बार। तो देखो ये जो चार्ट है इसमें 1 से लेकर कहाँ तक है 100 तक। तो एक बार देख लेते हैं, 50 तक हमने कर लिए थे ना, कि 1 को कैसे लिखते थे सिंगल 1 में, 2 को अगर 2 बार हम 1 डाल दें ठीक है, 3 को 3 बार हम 1 डाल दें ठीक है, 4 को देखो 4 को हमने कैसे लिखा था, जो 5 था ये 5 था, इसके आगे 1 डाल के, आगे 1 का मतलब होता है कि 5 में से 1 माइनस है। अगर लेफ्ट साइड में बड़े नंबर के लेफ्ट में अगर छोटा नंबर लगा हो तो मतलब कि इससे ये माइनस है, जो भी नंबर बन रहा है ना माइनस करके निकाल लो ठीक है, 5 में से 1 माइनस कर लो। अगर इसके राइट में लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो इसमें प्लस है, ये 5 में 1 प्लस है तो ये 6 है ठीक है। और कोई भी रोमन न्यूमरल, कोई भी 7 है ना टोटल, 1 V I V X, तो इसको हम 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं ठीक है। तो यहां तक देखो 5 हो गया, फिर आगे 6 राइट में लगा हुआ है, मतलब कि 5 में 1 ऐड है, फिर 7 फिर 8 ये आपने सारे कर लिए थे ना, L तक, L आ गया था हमारा 50। अब हम सीखेंगे कि 51 कैसे बनाना है। तो 50 कैसे होता है, 50 एक होता है L, अगर मैं 1 लिखूं 50 की जगह 51 लिख दूं तो 1 ऐड हो गया ना, तो 1 ऐड हुआ तो हम राइट में 1 डाल देंगे ठीक है। 52 L 2 52 51 L 1 53 L 3। मतलब ये है कि अगर आप LLL डाल दो, 50 50 50 डाल दो, आगे 1 2 3 ऐसे ही डालने हैं। अब 54 देखो ना कैसे डालना है, L डाल के आगे 4 ठीक है, 54 ऐसे करके आप 60 तक तो लिख सकते हो ना। आपने क्या करना है, LL डाल के आगे 1 2 ही लिख देना है 9 तक ठीक है। 51 L 1, पहले देखो मैंने 60 तक लिख लिया, 3 54 55 56 57 58 59 और 60 ठीक है। 50 का मतलब L L फिर L फिर L फिर L L L, ये मैंने 50 डाल लिए ठीक है। 59 तक हम देखते हैं पहले, तो फिर 1 से लेकर 9 तक तो आता है ना आपको, 1 2 52 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 का 4 आ जाएगा, 55 का 5 आ जाएगा, 6 7 8 9, अब 60 की टर्न आ गई ना, तो 60 देखो 50 L 60 क्या आ जाएगा, LX ठीक है, ये 50 और प्लस 10 कितना बन गया 60। हमने क्या किया, L के राइट साइड में सिर्फ X लगाया, उसका मतलब है कि जो X है 10 मतलब 5 में प्लस हो गए, क्या बना फिर वो LX ठीक है। ये था 60 तक, आगे 61 62 63 64 65 66 67 60 68 69 70। तो 60 कैसे लिखा था, 50 और 10, 60 60 हमने सब में है ना, 60 तो सब में 60 डाल लेना पहले, LX LX LX, यहाँ पर भी LX LX ठीक है, सब में ऐसे डाल देना, 70 में नहीं डालेंगे क्योंकि वो 60 थोड़े ना है। तो 1 से लेकर 9 तक हमने लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा 9। ठीक है, अब 70 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स 60, 10 और ऐड करने हैं, मैं को एक बार और यूज कर सकती हूँ, तो क्या बन गया 70। 60 का क्या बन गया 70, मतलब 50 में 2 10 और ऐड कर लो 70। ठीक है, ऐसे ही आपने 71 से लेकर 79 तक तो हो जाएगा ना, पहले 70 70 लिख लिया, ये वाला 70 70 70 आपने लिख लिया सारे में, फिर बाद में 1 2 3 साथ में लगा दिया। अब 80 लिखना है, 80 कैसे लिखोगे? एट्टी अगर मैं इसमें एक्स और डाल दूं, क्योंकि रोमन नंबर 3 तक हम यूज कर सकते हैं सेम रोमन नंबर एक्स एक्स एक्स, लेकिन एक्स को 4 टाइम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसका रूल है। तो ये बन गया 50, ये बन गया 10, ये बन गया 10 और ये बन गया 10, कितना बना ये टोटल 80, तो ये बन गया 80। ये 80 के लिए यूज होगा, 81 बनाने के लिए इसके साथ 1 लगा देंगे, 82 लगाने के लिए इसके साथ 2 लगा देंगे, ठीक है, 83 बनाने के लिए इसके साथ 3 लगा देंगे, 84 बनाने के लिए यहाँ पर V यूज कर लेंगे, फिर 85 बनाने के लिए 4 की जगह 5 लिख देंगे, ठीक है, मतलब ये वाला तो ऐसे कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज कौन सा होगा ये वाला, ठीक है, साथ में जो लगना है। 89 तक तो आप ऐसे लिख लोगे, अब 90 की टर्न जब आएगी, 90 कैसे लिखेंगे हम x को, ये तो था 80, हम इसके साथ x नहीं लगा सकते, अब क्या करना है, जो 100 है, 100 का क्या होता है, 100 का होता है c, 100 से 10 माइनस कर देते हैं, 10 माइनस करना मतलब कि उसके लेफ्ट साइड में 10 लगा दो, मतलब एक्स सी क्या बन गया 90, एक्स सी क्या बन गया 90। ओके, अब 90 तो बन गया, 91 से लेकर 99 तक तो लिख सकते हो ना, 91 92 93 94, 4 कैसे लिखेंगे 4, 95 5 कैसे लिखेंगे 5, 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक आते हैं उसके साथ में ही लगाते हैं 90 के। 100 कैसे लिखना है, वो सिंपल है, सी है, ठीक है। ये था हमारा रोमन नंबर्स का चार्ट, 50 से लेकर 100 तक हमने आज किया। आपने अच्छे से इसको पहले तो लर्न करना है, ठीक है, कौन सा सिंबल किसके लिए है और कैसे इसको यूज करना है, अगर आप इसका वे सीख लोगे ना तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा रट्टा लगाने की, ठीक है।